हेलो एवरीवन, वेलकम टू गोल्डीज टेस्टफुल किचन। आज मैं आपको टमाटर की एक मीठी चटनी बनाना बता रही हूँ जो आलू के परांठे के साथ बहुत टेस्टी लगती है, और हम इसको बचपन में खाते थे। मेरी मदर जो है सॉस की जगह ये घर की बनी हुई चटनी देना प्रेफर करते थे। तो आइए मैं आपको बताती हूँ। हमने ये फ्रेश टोमेटोज ले लिए हैं, देखिए 4 टमाटर लिए हैं मैंने, ये करीब 350 ग्राम है। शुगर है, हम टेस्ट के अकॉर्डिंग यूज करेंगे। सॉल्ट, नमक जो है वो सफेद नमक भी है और काला नमक भी है, यानी काला नमक मैंने 2 पिंच लिया है और सफेद नमक हम अपने स्वाद के अनुसार यूज करेंगे। ये कलर देने के लिए है, कश्मीरी रेड चिली पाउडर। इधर हमने घी लिया है 1 टीस्पून, सिंपल जीरा लिया है, क्यूमन सीड्स 1/2 टीस्पून, और भुना हुआ जीरा, रोस्टेड जीरा जो मैंने घर में ही भुना है वो लिया है 1 चम्मच। इसी सब के साथ आज हम बनाने वाले हैं ये टेस्टी सी मीठी चटनी। तो सबसे पहले हम ये टोमेटोज लेंगे जिनको हमने अच्छे से वॉश कर लिया है, और यहां पर हम इसका एक प्लस का साइन ऐसे लगाएंगे ताकि जब हम टोमेटो को ब्लांच करें, बॉईल करें, तो छिलका जो है वो आसानी से निकल जाए। चारों टमाटर में हम ऐसे एक कट का निशान लगा लेंगे। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली फ्रेंड्स में, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरी लेटेस्ट अपडेट्स जो हैं वो आप तक पहुंच सकें। सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो कर दीजिए। तो इस टाइप से हम तैयार कर लेंगे। ये देखिए हमने खुले पैन में पानी को गर्म होना रख दिया है। इतना पानी लें कि हमारे टोमेटोज अच्छे से इसमें ब्लांच हो जाएं, बॉईल हो जाएं। इनको हम डाल देंगे, और जब तक हमारे टमाटर पूरे सॉफ्ट नहीं हो जाते तब तक हम पकाएंगे। स्लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इसको कवर करके पका रहे हैं। अब हम इसको चेक कर लेते हैं। अभी देखिए पूरी तरह से सॉफ्ट नहीं हुए हैं। मैं आपको बीच में ये दिखा रही हूँ कि कैसे लगेंगे जब वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे। तो अभी हमें इसे और ढककर पकाना है। ये देखिए टोमेटोज जो हैं वो इस तरह से बॉईल हो गए हैं, स्किन इनकी निकल गई है। हम गैस को ऑफ कर देते हैं और मैं आपको यहाँ दिखाऊं, देखिए कितने सॉफ्ट ये हो गए हैं। देखिए अब हम इनको इसमें से पानी में से निकाल के ठंडा कर लेंगे। और इनकी स्किन जो है, जो छिलका है टमाटर का, वो अलग कर लेंगे। बहुत अच्छे से पक जाने चाहिए इसलिए मैंने आपको दिखाया है कि हमें इसको कैसे करना है। और इस पानी को भी हम पहले फेंकेंगे नहीं। अगर हमें थोड़ा सा ये थिक इसकी कंसिस्टेंसी है और हमें थोड़ा पतला रखना है तो हम ये पानी यूज करेंगे। तो इसको ठंडा होने देते हैं, ठंडा होने के इंतजार करते हैं और फिर इसको ग्राइंड करेंगे। टमाटर ठंडे हो गए हैं, अब हम इनका जो ये छिलका है इसको अलग कर लेंगे। बहुत आसानी से ये अलग हो रहा है। और जो ये पार्ट है ना इसका, ये भी हम निकाल कर अलग कर लेंगे इसको। और ये देखिए बहुत अच्छे से ये गल गए हैं टमाटर, इनके हम छोटे छोटे पीस कर लेंगे। ऐसे इनका छोटा छोटा पीस कर लेंगे। कभी कभी टमाटर सॉफ्ट आते हैं, आप हाथ से भी उनको मैश कर सकते हैं, बट मैं इनको ब्लेंडर से चलाने वाली हूं। मिक्सी में नहीं चलाइएगा क्योंकि मिक्सी में बिल्कुल पेस्ट हो जाएगा। या तो आप हाथ से मैश करें और नहीं तो जो हैंड ब्लेंडर होता है उससे आप इसको एक दो बार चला दें तो थोड़ा दरदरा और थोड़ा वैसा ये हो जाता है। अब ये सारा हम इसमें कोई भी जग ले लें या स्टील का कोई भी बर्तन ले लें, क्योंकि हम इसमें डायरेक्ट ब्लेंडर चला सकते हैं, तो सारा इसमें डाल लेंगे और ये ब्लेंडर से हम इसको चलाएंगे।
अब ये कुछ इस तरह से पेस्ट बन गया है, देखिए इस तरह का पेस्ट है। तो अब इसमें हम तड़का लगाते हैं। घी हमने एक चम्मच डाल दिया है, गैस को ऑन कर देते हैं और घी गर्म होने देते हैं। इसमें डालेंगे अब हम जीरा, घी को हल्का गर्म होते ही हम जीरा डाल देंगे, ज्यादा तेज गर्म नहीं करेंगे, इसको हल्का सा तड़कने देंगे। हल्का ब्राउन होते ही हम ये जो टोमेटो प्यूरी हमने बनाई है वो डाल देंगे। इसमें डालेंगे थोड़ी सी और मैंने थोड़ी सी शुगर, टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे। अगर टमाटर खट्टे हैं तो आप ज्यादा डाल दीजिए और मीठे हैं तो आप कम डालिए। नमक स्वाद के अनुसार, दोनों ही नमक डालेंगे हम। ये काला नमक भी डाल देंगे और सफेद नमक भी डाल देंगे। साथ ही में हम इसमें डालेंगे रेड चिली पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च कलर के लिए एक चम्मच, भुना हुआ जीरा थोड़ा सा ऊपर से गार्निश करेंगे और थोड़ा हम इसमें डालेंगे। टोटल 1 टीस्पून लिया है हमने और इनको अच्छे से मिक्स करेंगे। गैस को धीमा रखेंगे, स्लो टू मीडियम पर हम इसको पकाएंगे और थोड़ा सा जो बॉईल, जिसमें हमने टमाटो को बॉईल किया था वो पानी हम इसमें डालेंगे और जो कंसिस्टेंसी हमें चाहिए उसके अकॉर्डिंग पानी ऐड करेंगे। ये देखिए कितना परफेक्ट कलर आ गया है और बिल्कुल इंग्रेडिएंट्स जो हैं, जो भी सामग्री हमने यूज की है वो सब घर की है और कुछ भी ऐसा हमने नहीं डाला है जो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। और अब हम इसको ढककर थोड़ी देर पकाएंगे। तो आइए चेक कर लेते हैं। परफेक्ट, बहुत ही बढ़िया कलर, बहुत ही अच्छी कंसिस्टेंसी। ये देखिए, अब हम करते हैं गैस को ऑफ और आपको दिखाएं। इस समय आप टेस्ट कर लीजिए, कुछ भी कम ज्यादा आप कर सकते हैं। ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट। लेकिन खाना है आपको इसको आलू के पराठे के साथ, तो आइए इसकी प्लेटिंग करते हैं।